नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हमारा मुद्दा आज का है महाराष्ट्र की राजनीति पर ही। इस समय उद्धव ठाकरे की सभा के बाद जो है कुछ राजनीति शब्द जो है गर्म हो गई हैं, और उसके तुरंत बाद जो है नारायण राणे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उद्धव ने जो अमित शाह के ऊपर जो चैलेंज किया था उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले काफ़ी कुछ कहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे आप जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? लोगों की समस्या तो बाजू में रह जाती है, इनकी समस्याएँ जो है, इनकी आपस में वाकपटुता जो है वो लगातार जारी है, इसके ऊपर क्या? इसमें एक छोटी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विश्लेषक जो होते राजनीतिक, वो बोलते हैं कि लोगों की समस्याओं को बाजू में रख के इनकी समस्याओं को प्राधान्य देता है। मगर सर, ऐसा है कि राज्य में अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो वो सामान्य आदमी की सामान्य जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर सकती। तो अभी ऐसा है कि अपना जीवन जो है वो राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और अभी हम ये नहीं कह सकते कि सामान्य आदमी के इश्यूज़ बाजू में रख के ये लड़ रहे। सर, इसमें सामान्य आदमी भी इशू जो है वो स्टेक पे हैं। एक तो ऐसा है कि 2.5 साल का एक दुशासन, कुशासन भी नहीं कह सकते, कुछ लोग बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ ये दुशासन था। उसके बाद अभी पहली बार कुछ आशा आकांक्षा, लोग ख्वाब देखने लगे हैं और उनको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। तो ये अभी सामान्य आदमी को अगर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो वो तभी आएगा जब ये गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। उसके बारे में उल्टे सीधे कोई, ये जो उनके रंडीबाज न्यूज़ चैनल है वो जो फैला रहे, तीन नाम ही लिए, फडणवीस साहब ने तो सीधा बोल दिया है कि तीन रंडीबाज चैनल आजकल उद्धव का साइड लेके ये कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों के दिल में अगर आशंकाएं पैदा होती है तो एक गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास थोड़ा सा ये हो जाता है, डगमग आ जाता है। तो ये सर, पॉलिटिकल ये खलबली जो है वो चलनी चाहिए, वो चलेगी, और जितना वो चलेगी उतना कंपटीशन बढ़ेगा सर जी। अभी कैसे है ना कि इलेक्शन में दो पार्टियां अगर खड़ी नहीं होती है तो आम आदमी को कुछ मिलेगा नहीं, मतलब वोट के लिए जो मिलता है वो तो और एक बात है, उसके बारे में अलग से बोलेंगे हम लोग। मगर फिर भी ये कुछ आश्वासन देते हैं, ये बोलते हैं हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, तो ये बोलते हैं हम आपको जीवन आवश्यक वस्तु जो है बिजली फ्री, वो फ्री, हाँ बिजली फ्री देंगे। सर, ये अगर नहीं बोलेगा कि मैं गैस सिलेंडर फ्री दूंगा तो ये नहीं बोलेगा कि मैं बिजली फ्री दूंगा। तो ऐसा सोचा जाए तो इनकी राजनीति में आम आदमी का फायदा होता है, लेकिन दिखता नहीं ना सर। सर, गैस सिलेंडर मिल गया फुकट में, विश्वास विद्युत अगर मिल गई, अभी आपने दिल्ली में कुछ करके दिखाया ना, उन्होंने उनके स्कूल सर आपने इतने अच्छे बनाए कि अभी प्राइवेट स्कूल जो है वो विद्यार्थियों के लिए तरस रहे, और आपके जो मतलब उनके जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जगह नहीं मिल रही है लोगों को, उसका तो, बाकी जगह उसका उल्टा है। हाँ, बाकी जगह प्राइवेट में लोग जाते हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि होता नहीं है, होता है, होता है, होता है। करने वाले की दानत क्या है, इसके ऊपर नियत क्या है, उसके ऊपर रहता है। अभी बात आई अपने आपका वो मुद्दा से लेकर मैं जरा थोड़ा हट गया, मगर ऐसा है कि उद्धव जी ने उस दिन गटर नेताओं के सामने कुछ बयान दिए। एक तो पहली बात है कि उद्धव का वो भाषण ही बेतुका था, उसमें कोई दम नहीं था, और उसका दम उखड़ गया है और उसमें अभी कुछ दम बाकी नहीं है, ऐसा वो प्रतीत होता था उसके कहने से, बोलने से। मगर कैसे है ना, 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसा बोलते हैं, वैसा एक बोलने वाला कोई दमदार नेता उसको दम देने के लिए चाहिए था कि जो इसको एक्सपोज करे, उसकी पोल खोल करे। और ऐसे नेता जो है महाराष्ट्र में वो दो है, एक है फडणवीस साहब कि जो आर्गुमेंट मतलब वकीली के माध्यम से वो बात करते, वो करते हैं, कोई आर्गुमेंट करते हैं या टीका करते हैं तो लगता है कोई अच्छा वकील विधिज्ञ बोल रहा है, और दूसरे हैं नारायण राणे साहब। नारायण राणे साहब जो हैं वो सीधा हमला कर देते हैं, मतलब वो योद्धा स्वरूप हैं, तो उनका वो योद्धापन जो है वो उनकी व्यक्तिमत्व है, उनकी उन्होंने, मैं एक शब्द में अगर बोलना है तो उद्धव के भाषण का कचरा कर दिया राणे साहब ने, अपने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कचरा कर दिया उन्होंने, एक एक मुद्दे को लेकर, वो मुद्दे लेके आए थे
जी इसके उद्धव के, और एक एक मुद्दे के ऊपर अपने भाष्य करते गए, और जैसे जैसे राणे साहब भाष्य करते गए तैसे तैसे उद्धव का जो खोखलापन था, सुनापन था उसमें, और कोई मुद्दा नहीं था, वो एक्सपोज होता गया। राणे साहब ने पहली तो बात ये की कि तुम इतना गट नेताओं का मेला जो लिया तुमने, इसके पहले क्यों नहीं लिया? लिया कभी? कभी नहीं लिया। नेताओं से नहीं मिलने वाला नेता ये है, नेताओं से तुमने मिल रहे थे, अभी तुम इतना परेशान हो गए हो कि गट नेताओं का भी मेला तुमने लिया, तो ये तुम्हारा जो इतिहास है आज तक का उसमें ये शोभा नहीं देता है तुमको। तुम किसी से नहीं मिलना ही ये तुम्हारा धर्म है, और तुम अकेले ही रहना चाहते हो और लोगों को भी अकेला छोड़ना चाहते हो। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि तुमने बोला अमित शाह को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे औकात क्या हैं? सीधा बोल दिया। हाँ। सर क्या है, हमारे जैसे विश्लेषक बोलेंगे कि भाई उद्धव के औकात क्या है तो बुरा मानेंगे कुछ लोग, मगर राणे साहब ने बोल दिया तो उनको अधिकार है, वो उनकी उतनी तपश्चर्या है, वो महाराष्ट्र की शिवसेना के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने सालों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में उनका अपना वजूद है। मैं तो उनकी तुलना गडकरी जी के साथ करता हूँ हमेशा। तो वो अगर इसको पूछते हैं उद्धव जी को कि तुम्हारे औकात क्या हैं, तो वो उनके औकात निकालने वाले राणे साहब ही हैं। तो उन्होंने उनकी औकात उनको दिखा दी कि तुम बातें बड़ी कर रहे हो मगर बहुत छोटे दिल के छोटे आदमी हो, तुम्हारे हैसियत नहीं है कि तुम चला इनको। और उन्होंने जो मुद्दा सर हमने उठाया था वो ही राणे साहब ने भी उठाया। वो बोले ऐसा एक दो महीने में चुनाव होता है क्या? कभी? क्या बात कर रहे हो, विधानसभा का चुनाव लो, इसका लो, उसका लो, तुमने लिया था क्या? उन्होंने भी वही सवाल पूछा कि तुमने जब, हाँ जब हमने सर हमने भी सही मुद्दे उठाते हैं, लोग अप्रिसिएट करते हैं। उन्होंने भी यही पूछा कि भाई तुमने कब किया था, जब तुम चुनाव जीत गए बीजेपी के साथ और गए कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ, तब तुमने चुनाव लिया था, तब तुम बोले थे हाँ चलो मैं चुनाव लेता हूँ और जाता हूँ। तो मतलब क्या ना, बीच में उनको एक अरेस्ट हुई थी, उस समय उन्होंने बोला कि इनको यहाँ तक मालूम नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो पूछते हैं हाँ क्या है क्या है क्या है, थे तो मैं अगर होता वहाँ पे तो कांचीलत देता, कांचीलत फटका दे देता, थोबाड़ीत मार ली अस्ती, मैं कांचीलत मार ली अस्ती। सर कल राणे साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो शाब्दिक तौर पे कांचीलत मारने वाली ही थी, उद्धव के कांचीलत मारने वाली ही राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राणे साहब की। और उन्होंने और उसको एक्सपोज किया कि ये गवर्नमेंट तुमने अपने स्वार्थ के लिए बनाई थी, कोई पार्टी का शिवसेना का हित आपके मन में नहीं था, महाराष्ट्र का हित मन में नहीं था, लोगों ने जो आपके वो ये दिया था मैंडेट दिया था वो बीजेपी और शिवसेना के लिए दिया था, फिर भी तुमने एक गद्दारी करके ये किया और तुम दूसरों को गद्दार बोल रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। और मेरे ख्याल से लगता है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट के बहुत सारे नेता हैं, मगर उद्धव के ऊपर इस तरह से हमला करने के लिए उनके गुट में कोई मुझे दिखाई नहीं। कुछ शिंदे साहब लड़ रहे हैं, अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, मगर कैसे है ना, एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें वो उद्धव के नीचे काम कर रहे थे, तो उसके लिए वो बराबरी का टक्कर लगता नहीं। अभी राणे साहब कैसे है कि उद्धव यहाँ है तो राणे साहब यहाँ हैं, इतने ऊंचाई पे हैं, तो वो उसको ये हाथ से लड़ सकता है, वो उसको लात मार सकते हैं क्योंकि उतनी ऊंचाई पर है और ये उनके नीचे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि राणे साहब ने कल ऐसा एक पत्रकार परिषद में उनका खोखलापन दिखाया है, पोलकोल की है, कि अब दशहरे का भाषण करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है उनका भाषण ख़त्म होते ही एक तरफ से एकनाथ शिंदे की रैली उसी समय है, तो वो ऐसा करेंगे कि वो बोलता है और ये जवाब देते हैं। कल परसों उसने किया ऐसा, एकनाथ शिंदे दिल्ली से किया, तो वो राणे साहब की दूसरी दिन अभी उनको बोलते समय सामने राणे साहब का चेहरा आएगा और वो डर जाएंगे, बोलेंगे मैं अभी जो भी बोलूँगा उसका कल मुझे जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो राणे साहब का अभिनंदन करना चाहिए, आभार मानने चाहिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सभी नेता हैं ना, वो एक मर्यादा छोड़ती नहीं है, मगर ये मर्यादा छोड़ के उद्धव जी बोलते हैं ना, तो उनको भी एक अमर्यादा आदमी ही चाहिए था, तो उसके लिए नीतीश अपने तरफ से और नारायण राणे साहब अपनी तरफ से जो कर रहे हैं उसकी वजह से महाराष्ट्र की जो एक क्लाइमेट है, पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर, वो पूरा बदली हो जाएगा, इसलिए उसका स्वागत करना चाहिए। और उद्धव को बोलते समय याद रखना चाहिए कि इसका जॉब उसको
मिलेगा। जी धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे के सभा में भाषण और उसका जवाब देने दिए तारा नराने जी, तो दोनों का जवाब सवाल जवाब हो गया। अभी दशहरा रैली की तैयारी चल रही है और हमारा भी चर्चा इसी पर लगातार चलता रहेगा। और हम तो यही कहेंगे, बड़ी बात यह है कि हमने जो मुद्दे उठाए उन्हीं सभी को समर्थन साक्षात राणे साहब ने किए, और हमारे मुद्दाओं तो हर जगह चर्चा में है ही, खासकर राजनीति पार्टियों में। तो हम तो यही कहेंगे कि लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो समस्याएं हैं, वो भी उठनी चाहिए। राजनीति तो चलती रहती है और वर्षों चलती रहेगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।